हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए देखते क्या क्या चाहिए। ये है बेसन, और ये कटोरी में भी बेसन है, ये थोड़ा अलग रखा है मैंने। ये दही है, और ये है जीरा, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है करी पत्ता और हरी मिर्च, और ये धनिया कटा हुआ है, ये लाल मिर्च, नमक, और यह है हमारी लौकी, और यह है हींग। इसमें है खाने वाला सोडा, जिसको कि हम एक पिंच ही इस्तेमाल करेंगे, रख लिया मैंने। और अब मैं दिखाती हूँ क्या सूखी मिर्च तड़के के लिए। बिना लाल मिर्च के तड़का मज़ा नहीं आता, और कोई भी रेसिपी हो जब तक उसमें तड़का ना लगे तो बिना तड़के के देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी, खाने की तो बात छोड़िए। है गरम मसाला, इसकी जगह आप खड़े मसाले भी यूज कर सकते हैं, गरम मसाले। और मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ अच्छे से। लौकी को मैंने धो लिया था पहले। आइए देखिए, अब हम इसकी तैयारी करते हैं कोफ्ते की। तो बेसन में मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें भी, ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लिया, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आता है। ये हींग भी डाल ली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं इसमें अब ये लौकी जो मैंने रखी थी इसको मैंने नचोड़ लिया था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था हाथ से दबा के। मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। फिर भी कितना भी निकालो पानी लौकी में होता है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मिक्स हो जाएगा बेसन में। और ये देखिए, मैं अभी मिला के दिखाती हूँ आपको, और कितनी आसानी से मिक्स अप हो जाता है। थोड़ा सा सोडा, वन पे जरा सा सोडा ऐड कर डाल देते हैं, और पानी नहीं डालना है, बिना पानी करेंगे अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि अच्छा सा सारा मिक्सअप, नमक मिर्च सब एक सा हो जाए। और इसमें आप इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे हमारे कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर कोफ्ते नरम बनते हैं तभी खाने में अच्छे लगते हैं। ये हमारा देखिए, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारा ये तो बन गया है लौकी का और बेसन का। और अब मैं इसको मैंने रख दिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ऑयल भी डाल दिया है, और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ सब्जी। और ये इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना के रख लेती हूँ, जब तक हमारा ये तेल गरम हो रहा, जब तक हम सारी गोलियाँ बना लेते हैं। बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं लौकी को कोफ्ते, और फ़ायदा भी करते हैं भाई। लौकी तो वैसे ही अच्छी होती हमारी सेहत के लिए। ये देखिए तेल गरम हो गया, और मैंने इसमें डालना शुरू किया है। अब इसको धीमे धीमे कलछी से चलाएंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम तलेंगे। जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत यमी, बहुत सरल बनती है, और बच्चे बूढ़ों सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते करीब करीब बन चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर हो के हो गए हैं, और अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे धीमे से। ये देखिए सारे प्लेट में निकालने के बाद फिर से मैं कढ़ाई रखूंगी, और फिर बताती हूँ क्या करना है। ज़्यादातर लोगों को आता है कोफ्ता बनाना, पर मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आपसे। देख, कढ़ाई रख दी थी मैंने, इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, और अब मैं डाल रही हूँ अदरक और कड़ी पत्ता। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। और ये मैंने बेसन डाल दिया है, तो ये बेसन को थोड़ा हम भून लेंगे, जिससे कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन देखिए भूनने लगा है, और इससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है इसकी कोफ्ते की, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है।
बेसन भुन चुका है, अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं जो मैंने लिया था थोड़ा सा। इसको अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, और ये बाउल में जिसमें मैंने कोफ्ते का रखा था उसी में मैंने पानी भर लिया है, और इसमें अब ये ऐड करेंगे हम पानी। इसमें करीब करीब मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है, और आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रेवी पतली रखें या थिक रखें जैसी आपको पसंद हो। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हल्दी और धनिया। और नमक अभी ऐड नहीं करेंगे, नमक बाद में ऐड करेंगे, ये गरम मसाला भी ऐड करते हैं इससे कि पूरे ग्रेवी में अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए। आप इसमें बगैर जिस टाइम छौंका था ना तो उसमें आप खड़े मसाले जैसे इलायची तेज़पात वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको उबलने देते हैं, नमक अभी नहीं डाला मैंने, जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तब नमक डालेंगे। अब ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले नमक ऐड करते तो इसका ये अचार नहीं बनता, और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और इसको इसी तरह 10 मिनट तक पकने देते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं कोफ्ते। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है कोफ्तों का, देखते ही खाने का मन करने लगा है। और मैं चावल भी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखी है, क्योंकि चावल के साथ ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है। और ये देखिए कोफ्ते हमारे इसमें अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट बने हैं, नरम। और अभी मैं आपको देखो दिखाती हूँ, निकाल के अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने नरम बने, और जैसे चलाने से तो ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने आराम से कटी है, जाली आपको दिख रही है, बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। और अब मैं इसमें लगाती हूँ बघार। बघार में मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल का भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बघार में मुझे मिर्ची और गरम मसाला वगैरह थोड़ा सा डालना है बस, साबुत मिर्ची, बाकी तो मसाले मैं ऐड कर ही चुकी हूँ। ये देखिए साबुत मिर्च है, इसको तड़का, जब तक मिर्च का तड़का ना लगे तब तक रेसिपी कोई भी चीज़ हो मज़ा नहीं आता। ये देखिए मिर्च भुन चुकी है, भुनी मिर्च खाने में बहुत अच्छी लगती है और किसी भी चीज़ का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और इसमें मैंने ये मिर्ची पिसी हुई और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दिया था, ये देखिए इसमें डाल दिया है। मिर्ची वैसे मैंने कम ही डाली है, आप थोड़ी सी ज़्यादा और भी डाल सकते हो तो और अच्छा धनिया और कलर मिर्चा आएगा। काट के रख काट लिया और था ये ऊपर धनिया से, ऐड कर दिया है, और ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल हमारी तैयार रेडी हो हो चुकी चुकी है, है। खाने के लिए रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर, और ये देखिए। तो आपको ये कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।